उस वक्त की राजनीति एक वैल्यू बेस्ड होती थी, आज तो बिल्कुल ही वो राजनीति का वकार ही बदल गया है। आज भी लोग जब बाहर से आते हैं, चारों तरफ से फ्लाईओवर, बाईपास, ये विकास कांग्रेस के राज, इससे पहले तो वो तो कुछ भी नहीं था। कांग्रेस के राज में जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, आज गुहाना आप 25 मिनट में गुहाना पहुंच गए, आज 3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच गए। रोहतक की बहुत पुरानी यादें हैं, ये तो एक भाईचारे की एक सबसे बड़ी, अगर कोई सबूत अगर कहीं है तो वो रोहतक थी। लेकिन ये तो इसको तो ग्रैंड इस भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम के ऊपर। देखिए ऐसा है कि हम पाकिस्तान से आए थे और आते ही सबसे पहला चुनाव स्वर्गीय देवराज सेठी जी ने लड़ा, और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सैन जी से एक चुनाव तो देवराज सेठी जी ने जीता और एक चुनाव 62 वोटों से वो हार गए थे। रोहतक पाकिस्तान से आने के बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी बत्रा, उनको रिहैबिलिटेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया, जो लोग स्थापित होने थे और जो सेटल होने थे, और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी उसके चेयरमैन, चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी। तो गांधी कैंप को बनाया गया, प्लाट अलाटमेंट हुए, लोगों को क्लेम दिए गए, तो रोहतक तो एक स्लम एरिया था, ये कटोरा नुमा इसका स्ट्रक्चर था। और पानी आज भी तो आप देखो छोटराम चौक के नजदीक पानी आज भी खड़ा हो जाता है, कटोरा नुमा है, चारों तरफ से पानी आता है और वहाँ आके इकट्ठा हो जाता। तो 60 में फ्लड आया और उस फ्लड के अंदर तो बिल्कुल ही 8-8 फुट 10-10 फुट पानी था। ये शांतमयी होटल चौक जो आपने देखा, ये मेरी मदर के नाम पे चौक पड़ा था, मेरी माता जी का नाम शांति दी। तो उस वक्त डॉक्टर मंगल सैन जी लीडर होते थे, मेरे पिताजी म्यूनिसिपल कमेटी का पहला चुनाव लड़े और उस चुनाव के अंदर इलेक्ट हुए, 4 बार म्यूनिसिपल काउंसलर बने, मैक्सिमम पीरियड म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट रहे। तो राजनीति में मेरा शौक, मेरी तवज्जो पिताजी से मैंने सीखी, वो बड़े आदर्शवादी नेता थे। उस वक्त की राजनीति एक वैल्यू बेस्ड होती थी, आज तो बिल्कुल ही वो राजनीति का वकार ही बदल गया है। आहिस्ता आहिस्ता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सैन 6 बार यहाँ से एमएलए रहे, बहुत अच्छे इंसान थे, बढ़िया आदमी थे, चोई देवीलाल की गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन अगर इस रोहतक की रूपरेखा बदली तो वो 2014 के बाद, आज भी लोग जब बाहर से आते हैं, चारों तरफ से फ्लाईओवर, बाईपास, ये विकास कांग्रेस के राज, इससे पहले तो रोहतक कुछ भी नहीं था। 2004 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बाईपास, जो इनकी रहनुमाई में, जो कांग्रेस के राज में, जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, आज गुहाना आप 25 मिनट में गुहाना पहुंच जाते, आज 3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते। एक ऐसी रंजन वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मैं तो देख के हैरान हो गया, ये वही रोहतक है, इज इट द सेम रोहतक। ये एजुकेशनल हब बन गया, प्रताप सिंह कैरो जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, आज जिसको PGI का स्टेटस है, चौधरी बंसी लाल जी ने इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज बनवाया, प्रोफेसर शेर सिंह ने दूरदर्शन, ये जो रेडियो स्टेशन है, इसका निर्माण करवाया, उस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो ये रोहतक की जो अब जो रोहतक आप देख रहे हो, ये सारी डेवलपमेंट कांग्रेस के राज, और उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ की चौमुखी विकास हुआ, यहाँ की सड़कों का, यहाँ के फ्लाईओवर का, और अगर ये BJP का राज ना आता तो यहाँ मेट्रो भी यहाँ तक आ जाती, बहादुरगढ़ तक जो मेट्रो आई है वो भी कांग्रेस पार्टी के टाइम के अंदर आई है। तो ये चीज़ें मैंने, अब मेरे जो अंकल थे उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला, 1 एकड़ जमीन के अंदर 102 मण हमने गेहूँ पैदा किया। मैं भंडार नायक के जो श्रीलंका की राष्ट्रपति थी, उनको मैं गाड़ी में बिठा के बहु अकबरपुर फार्म हाउस में लेके गया, और वहाँ पे उस वक्त जो रणबीर सिंह जी इरीगेशन पावर मिनिस्टर होते थे, ये भी साथ थे। रोहतक की बहुत पुरानी यादें हैं। देखो जी, मैं आपको बताऊँ कि भाईचारा तो इतना ज़बरदस्त था। आप ये देखो, सेठ श्री किशनदास 3 बार यहाँ से MLA रहे हैं, और महाजन कम्युनिटी के 9,000 से ज़्यादा वोट नहीं, लेकिन पंजाबी समाज के वोट उनको मिलते थे। ना केवल सिर्फ पंजाबी समाज के, 36 बिरादरी के लोगों को मिल के ही तो आदमी MLA तभी तो बनता है। उस वक्त तो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं थी। डॉक्टर मंगल सैन को हराया, सेठ श्री किशनदास ने हराया, और मैंने सेठ श्री किशनदास को हराया 91 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा। मुझे गांधी कैंप से, सारे शहर से 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिए। जो भाईचारा उस वक्त था, मुझे याद है कि जब चाइना वार हुई 62 में, और मेरे कजन
चाइना बाहर के अंदर विनय बत्रा का स्टैचू लगा हुआ है और वो शहीद हुए थे, और लोगों ने, लेडीज ने सबसे ज्यादा गोल्ड इकट्ठा करके अगर कोई देश सेवा के लिए फौजियों के वो जो राशन और जो चीजें की, वो तो एक मिसाल है। रोहतक सबसे बड़ा भाईचारे की अगर कोई मिसाल है, ये डॉक्टर मंगल सैन जी बाहर से आए थे, बर्मा से आए थे, यहाँ एक भाईचारे का ही सबूत था जो इनको 6 बार MLA बनाया। ही वाज़ ए बिग लीडर, ही वाज़ ए स्टेट्समैन। देवराज सेठी पार्टीशन के बाद यहाँ से MLA रहे। देखिए, मैंने 60 का भी फ्लड देखा है, मैंने 85 का भी फ्लड देखा है, मैंने 95 का भी फ्लड देखा है, मैंने अपने टाइम का भी देखा है। देखिए, ये भाईचारा आज भी, ये तो कुछ, ये जाट आरक्षण के दौरान शरारती तत्वों ने ये इस खेल को बिगाड़ा है, अदरवाइज तो हरियाणा के अंदर तो रोहतक एक मिसाल थी भाईचारे की, सारे इकट्ठे थे, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई, कभी कास्ट लाइन के राइट्स कभी रोहतक में हुए, कभी भी नहीं हुआ। ये तो एक भाईचारे की एक सबसे बड़ी अगर कोई सबूत अगर कहीं है तो वो रोहतक थी। लेकिन ये तो इसको तो ग्रैंड इस भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम के ऊपर, ये कभी ऐसी चीजें यहाँ हमने नहीं देखी। तो इसलिए मैं तो आज भी ये सोचता हूँ वही भाईचारा बना रहना चाहिए लोगों के अंदर। हमारी सोच तो यही है कि अगर मुझे एक बात बताइए, हम पाकिस्तान से आए थे, अगर यहाँ के लोग हमें गले से ना लगाते हम कैसे सेटल हो सकते। सबसे ज्यादा जंग जिला, जो सबसे लड़ाका इलाका था, जरखेज इलाका था, एक बहादुरों का एरिया था, रोहतक में आके सेटल हुए। रिहैबिलिटेशन के अंदर मेरे पिताजी मेंबर थे, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर कहीं से गए हैं वो भी रोहतक से गए हैं, और सबसे ज्यादा फौज के अंदर अगर कोई है वो भी रोहतक और झज्जर एरिए के, आप देख लो, आप उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रोहतक से ही राजनीति शुरू होती है। रोहतक एक मिसाल है, रोहतक से जो इलैरी सिंह जैसे लीडर हुए, रोहतक से पंडित श्रीराम शर्मा जैसे, जिन्होंने 12-12 साल जेल काटी, बर्फों पे लिटाया गया, पंडित भगवदयाल शर्मा जैसे लीडर हुए, बड़े बड़े डॉक्टर मंगल सैन जैसे लीडर हुए, रोहतक लीडर पैदा करता है। आप बता दीजिए, मैं आपको इतने नाम गिनाता हूँ कि हर कम्युनिटी का लीडर यहाँ से हुआ है। पंडित भगवदयाल शर्मा जी बेरी से थे, पंडित श्रीराम शर्मा रोहतक से थे, आपके चोई छोटू राम रोहतक से थे, चोई श्रीचंद, चौधरी लहरी सिंह, आप जो इमाड़ू सिंह, सेठ श्री किशन दास, अरे रोहतक से हुए हैं, जो चांद राम रोहतक से, हाँ ये मनोहर लाल खट्टर ये भी देख लो रोहतक से, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी रोहतक से, मैं तो खैर चलो जो भी है मैं भी रोहतक से। तो रोहतक एक एक बेमिसाल जगह है, जहाँ से राजनीति चलती है, जहाँ से वैज्ञानिक पैदा होते हैं, जहाँ से फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया तो वो रोहतक से। रोहतक इज ए सेंटर, रोहतक इज ए एजुकेशनल हब, रोहतक लीडर पैदा करता है, रोहतक हमारी तो रगों में रोहतक है, और अगर रोहतक ना होता तो हमें यहाँ कौन सेटल करता। मैं तो यहाँ के लोगों को सलाम करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाईचारों को बनाए रखना चाहिए सभी को। अगर ये ना होते, मेरी ज्यादा दोस्ती जाटों के साथ है, वो इसीलिए कि हमारे टेस्ट मिलते हैं, ब्राह्मणों के साथ हैं, हमारा भाईचारा मिलता है, हमारा खान पान मिलता है, हमारी भाषा वही हो गई है। मैं कभी पंजाब में जाता हूँ तो कहते हैं बत्रा साहब थोड़ी पंजाबी बोलो ना, आप पंजाबियों की बात करते हो, लेकिन हमारा टेस्ट ही, हमारी आवाज़ भी हरियाणवी हो गई है। तो इसलिए आई एम प्राउड ऑफ रोहतक, और रोहतक की पुरानी बातें बड़ी याद आती हैं, और रोहतक तो रोहतक ही है।